ये कहानी 1947 की है, जब एक औरंग मैदान नामक जहाज इंडियन ओशियन में अकेला भटकता हुआ पाया गया था। अजीब बात यह थी कि जहाज तो पूरी तरह सलामत था, बट इस जहाज के सारे नाविक मारे जा चुके थे। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। भारत से करीबन 3000 किलोमीटर दूर मलेशिया और सुमात्रा आइलैंड के बीच स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। यहाँ से करीबन 250 समुद्री जहाजें रोजाना व्यापार के लिए आया जाया करती हैं। यह विश्व के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है और लगभग विश्व का 1/4 कारोबार इसी रास्ते से होता आया है। यह रास्ता भारत, चीन और जापान को बाकी बड़े देशों से जोड़ता है। पिछले 100 सालों में यहाँ करीबन 35 जहाजें डूबी हैं और उन्हीं बदनसीब जहाजों में से एक था औरंग मैदान। बात जून महीने की है। मलक्का के पट्टी से गुजर रहे सभी जहाजों को एक इमरजेंसी संदेश मिलता है। सारे नाविक और कप्तान मारे जा चुके हैं। इसके बाद एक और छोटा सा संदेश आता है। मैं भी मर रहा हूं। बस इतना कहकर इमरजेंसी संदेश बंद हो गया और इसके बाद कोई संदेश नहीं आया। ये सूचना मिलते ही बाकी के जहाजों और अधिकारियों में हड़कंप समझ गया। सभी जहाज और अधिकारी इस जहाज की लोकेशन को ढूंढने में लग गए। काफी समय की मशक्कत के बाद ब्रिटिश और डच पोस्ट की मदद से सिग्नल को ट्रैक कर लिया गया। सिग्नल काफी दूर समुद्र से आ रहा था। सारे अधिकारी काफी अचंभित थे क्योंकि इस रास्ते से कोई जहाज जनरली जाया नहीं करता था। खुशकिस्मती से एक अमेरिकी व्यापारी जहाज जिसका नाम सिल्वर स्टार था, इस लोकेशन के पास से ही गुजर रहा था। कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने जहाज के कप्तान को सारी बात बताई और उनसे इस जहाज के लोकेशन तक जाने को कहा। मामले की गंभीरता को समझते हुए जहाज के कप्तान ने फुर्ती दिखाई और तुरंत उस लोकेशन की ओर चल दिए। कुछ ही घंटों में अमेरिकी शिप सिल्वर स्टार के कप्तान को एक जहाज नजर आया। दूरबीन से देखने पर मालूम चला कि जहाज का नाम औरंग मैदान है। औरंग मैदान की स्थिति बहुत ही विचित्र थी। जहाज से कोई धुआं नहीं निकल रहा था और डेक पे देखने पर भी कोई गतिविधि नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने समुद्र तट से एक जहाज को उठाकर समुद्र में रख दिया हो और वो समुद्र की लहरों से बहता जा रहा हो। अमेरिकी कप्तान ने रेडियो पर संदेश दिए जिसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर अमेरिकी कप्तान ने अपने शिप के हूटर का प्रयोग किया। उस हूटर का भी कोई जवाब नहीं आया। अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार धीरे धीरे औरंग मैदान के करीब आता गया। काफी करीब पहुंचने के बाद अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार के कप्तान ने अपने नाविकों को इस शिप पर जाने की अनुमति दी। सिल्वर स्टार से एक रस्सी औरंग मैदान पर फेंकी गई और इस रस्सी के सहारे ही कप्तान और उसके नाविक औरंग मैदान पर जा पहुंचे। औरंग मैदान के डेक पे पहुंचते ही अमेरिकी नाविकों के तो होश ही उड़ गए। डेक पे लाशों की भरमार लगी थी, चारों तरफ लाशें ही लाशें। सब तरफ ऐसा लग रहा था जैसे एक सन्नाटा सा फैला हुआ है। सबसे विचित्र बात यह थी कि सारे लोगों की आंखें ऐसे खुली हुई थी जैसे मानो कोई भूत ही देख लिया हो। सबके मुंह भी खुले हुए थे और चेहरे पे अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी अजीब सी चीज को देखकर डर गए हैं और इनके प्राण निकल गए हैं। ये सब देखने के बाद अमेरिकी शिप सिल्वर स्टार के कप्तान आगे बढ़े और वो मेन डेक पर जा पहुंचे। ब्रिज पर कप्तान की लाश पड़ी हुई थी। इंजीनियर अपने अपने स्टेशनों पर मरे पड़े थे। कुछ देर आगे बढ़ने पर वो रेडियो ऑपरेटर भी दिखा जिसने इमरजेंसी संकेत दिया था, वो भी अपने स्टेशन पर ही मरा पड़ा था। इतना सब कुछ देखने के बाद एक बात तो साफ थी कि इन सब की मौत बहुत ही दर्दनाक हुई है, लेकिन कैसे? जहाज तो पूरी तरह सलामत था, डेक पे पड़े लोगों की बॉडीज भी न कटी थी न फटी थी। अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार के कप्तान को यह सब बहुत ही खटक रहा था। कल्पना कीजिए, अथाह समुद्र में एक जहाज जिसके सारे नाविक मारे जा चुके हैं और आप जा रहे हैं उसे रेस्क्यू करने, और आप देख रहे हैं कि सब मरे हैं बट आपको पता नहीं क्यों मरे हैं। जहाज तो बिल्कुल ठीक है। ये सब देखने के बाद अमेरिकी जहाज के कप्तान ने डिसाइड किया कि इस जहाज को वो टो करके समुद्र तट तक ले जाएंगे।
उन्होंने अपने नाविकों को आदेश दिए कि रस्सी डालकर इसे टो करें और इस जहाज को तुरंत खाली कर दें। कप्तान का आदेश पाते ही नाविकों ने औरंगमदान को रस्सी से बांध लिया और टो के लिए रेडी हो गए। तभी अमेरिकी शिप सिल्वर स्टार के कप्तान को औरंगमदान के इंजन रूम से धुआं उठता दिखा। पहले तो ये धुआं सफ़ेद था, पर जल्दी ही ये धुआं काला बनता गया। कप्तान समझ गए कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। उन्होंने तुरंत नाविकों को आदेश दिया कि वो रस्सी को काट दें और इंजन की रफ्तार बढ़ा लें। जैसे ही उन्होंने रस्सी को काटा और कुछ दूर ही गए थे कि उन्होंने देखा कि औरंग मैदान में विस्फोट हो चुका है और वो अब धीरे धीरे डूब रहा है। कुछ ही पलों में औरंग मैदान समुद्र की गहराइयों में समा गया। अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार के नाविकों की हालत तो ऐसी ही पतली थी। ये विस्फोट देखकर वो और डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर कुछ देर पहले वो उस जहाज को नहीं छोड़ते तो औरंग मैदान और उसके नाविकों की तरह वो भी पाताल लोक की सैर पे चल चुके होते। कहते हैं ये घटना 1947 की है और ये घटना 1952 में यूएस कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल रिपोर्ट में भी आई थी। तब से लेकर आज तक कोई नहीं जानता कि इस जहाज के साथ एक्चुअली हुआ क्या। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, बट अभी तक कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है और शायद हमें कहीं पता ना चले। कुछ लोगों का मानना है कि औरंग मैदान किसी सरकारी एक्सपेरिमेंट मिशन पे था और किसी गड़बड़ी के चलते चीज़ें हाथ से निकल गई, बाद में इस मामले को दबा दिया गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ किसी अदैवी शक्ति या सुपरनेचुरल पावर के कब्जे में आ गया और उसने इसे तबाह कर दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि औरंग मैदान नाम का सिर्फ कभी था ही नहीं। कुछ रिसर्चर का मानना है कि औरंग मैदान पोटासियम साइनाइड एंड नाइट्रोग्लिसरीन जैसे घातक केमिकल अपने साथ इलीगली ले जा रहा था। किसी तरह समुद्र का पानी पोटासियम साइनाइड से जा मिला और लीक हो गया और फिर ये जहरीली गैस औरंग मैदान के नाविकों ने सूंघ ली और वो मारे गए। इसी थ्योरी को आगे बढ़ाकर ये भी कहा जाता है कि समुद्र का पानी जो है नाइट्रोग्लिसरीन से जा मिला, जिसके कारण विस्फोट हुआ और फिर स्विप डूब गया। ये एक्सप्लेनेशन तो सुनने में लॉजिकल लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि सिप पर विस्फोट हुआ था, पर जब सिल्वर स्टार के नाविक डेक पर पहुंचे तो फिर वो उस पॉइजन गैस के शिकार क्यों नहीं हुए। और एक बात ये भी है कि साइनाइड से मरने वालों के चेहरे पर डर नहीं होता, साइनाइड से डेथ बहुत स्मूथ होती है। कुछ दूसरे शोधकर्ता इस थ्योरी को कुछ और आगे ले जाते हैं। उनका कहना है कि साइनाइड सिप पर था ही नहीं, साइनाइड की जगह एक दूसरा केमिकल जिसका नाम था टाबून, वो सिप पर था। टाबून एक ऐसा केमिकल है जो जहरीला है, जिससे मौत बहुत ही दर्दनाक होती है और ये काफ़ी हल्का भी है, तो अगर लीक हुआ भी होगा तो कुछ देर हवा में होगा, उसके बाद ये गायब हो गया। जिसके कारण जब सिल्वर स्टार के नाविक डेक पर पहुंचे तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। हो सकता है ये बात सही हो, बट किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। इस घटना को 70 साल हो चुके हैं और ये अभी तक एक पहेली बनी हुई है। हो सकता है कुछ रिसर्चर और आगे बढ़ें और इस जहाज को ढूंढ निकालें तो शायद हमें ये तो पता चल जाए कि औरंग मैदान डूबा कहाँ है, पर ये शायद कभी ना पता चले कि क्यों।